यूक्रेन पर रूस के स्पेशल ऑपरेशन के बाद अब इसमें भारतीयों की जान जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में खबर आई है कि हैदराबाद के एक शख्स की मौत हो गई है और इस शख्स की पहचान मोहम्मद असफान के रूप में हुई है, जो रूसी सेना में काम कर रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि जो लोग इस वक्त रूस की सेना में भारतीय हैं, वो इस बात को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोग जो रूस घूमने गए थे, उनको एक एजेंट जो है वो घुमाने के नाम पर बेलारूस ले जाता है, बीच में छोड़ देता है, पुलिस पकड़ती है और फिर उन्हें उनके सामने दो प्रस्ताव रखे जाते हैं, या तो आप 10 साल की सजा काटिए या फिर आपको रूस की सेना में मदद करनी होगी, यानी बतौर हेल्पर आपको काम करना होगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। जब खबर आई कि मोहम्मद असफान की मौत हो गई है, उसके बाद भारतीय एजेंसियां, भारतीय दूतावास काफ़ी सक्रिय हुआ और उसने इस बात की पुष्टि की कि मोहम्मद असफान की मौत हो गई है और अब डेड बॉडी को वापस भारत लाने के लिए जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय कैसे पहुँच गए, कैसे भारतीयों की एंट्री हो गई, कैसे भारतीय रूसी सेना में चले जाते हैं, क्या वजह है। तो बताया जा रहा है कि एजेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ एजेंट्स दुबई से बैठकर इसे ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स जो हैं वो रूस में भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हुआ ये, इससे पहले खबर आई थी और वीडियो बकायदा जारी किया गया था वहां पर फंसे भारतीयों द्वारा कि उन्हें एक एजेंट जो है वो दुबई से कहता है कि नौकरी के लिए हम आपको रूस ले जाएंगे। रूस ले जाकर वो उन्हें कहता है कि सेना में आपको हेल्पर का काम करना, यानी खाना बनाना है या फिर ड्राइवरी का काम करना है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये ड्राइवरी और हेल्पर का काम नहीं है, बल्कि उन्हें यूक्रेनी सीमा पर इसलिए खड़ा किया गया है ताकि वो रूस की तरफ से लड़ सके, तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया और भारत सरकार से गुहार लगाई। अब मोहम्मद असफान जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे, उनको लेकर जो खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें गोली लग गई फ्रंट लाइन पर, और इसके बाद अब खबर आ रही है कि और भी भारतीय वहां पर फंसे हुए। और आज एक और वीडियो सामने आया जिसमें ये कहा गया कि 7 लोग भारत से रूस घूमने गए और ट्रेवल एजेंट ने उन्हें घुमाने के नाम पर स्कैम में फंसा दिया। इसके बाद भारतीय एजेंसियां, भारत दूतावास काफी एक्टिव हुआ है और वो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो भारतीयों को ट्रैप कर रहे हैं। और बकायदा ये कहा गया है भारतीयों से कि भारतीय उस क्षेत्र में ना जाएं जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए जो आपको ये कहता है कि आपको अच्छी नौकरी के बदले अच्छा पैसा दिलाएगा और आपको बाहर ले जा रहा है, क्योंकि जो स्कैम है वो बहुत बड़ा है। स्कैम इतना बड़ा है कि पूरे पंजाब से लोगों को भर भर के ले जाया जा रहा है। पंजाब में ये इस बात को लेकर दावा हो रहा है कि पंजाब से लोगों को भर कर पहले रूस ले जाया जाता है, फिर उन्हें वहाँ से यूरोप किसी भी तरीके से पहुँचाया जा रहा है, और सब कुछ हो रहा है। इसी बीच में कुछ लोगों को वहाँ की सेना में शामिल किया जा रहा है। अब मोहम्मद असफान की कहानी पर आते हैं। कहा गया कि एजेंट ने धोखे से उन्हें रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए सहायक के रूप में भर्ती किया था। मोहम्मद असफान 30 साल के थे और रूसी सेना में वो काम कर रहे थे और तभी उन्होंने जान गंवा दी। एजेंट ने कथित रूप से दूसरे लोगों के साथ असफान को भी सहायक के रूप में युद्ध के मैदान में धकेल दिया था। असफान के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। रूस में भारतीय एम्बेसी ने कहा है कि हमें एक भारतीय नागरिक श्री मोहम्मद असफान की दुखद मृत्यु के बारे में पता चला है और हम परिवार और उसी अधिकारियों के संपर्क में है। मिशन उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने का प्रयास कर रहा है। मोहम्मद असफान की मौत की खबर ऐसे समय पर आई है जब रूसी सेना ने कथित रूप से 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और जबरन उन्हें सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में धकेल दिया है। और वो वीडियो आपको भारत तक पर हम सुबह से दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार से वो मदद की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा आखिरी वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो ना आए। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सभी लोग जो हैं उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और ये सब कुछ ज़बरदस्ती कराया गया है। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो 3 से 4 दिन तक उन्हें किसी अनजान जगह पर रखा गया। उस अनजान जगह पर एक हिंदी बोलने वाला शख्स उनसे बात करता और कहता है कि आप एक समझौता कर लीजिए वरना आपको 10 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि आप बेलारूस जो हैं बिना पासपोर्ट के पहुँचे। धोखे के बाद सेना में भर्ती और भर्ती के बाद क्या होता है, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा, और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी खाना वगैरह बनाने में या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। अब रूस की सेना में भारतीयों के काम करने को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है।
दर्जन भर भारतीयों को रूसी सेना के साथ जंग लड़ने के लिए सहायक रूप में धोखे से भर्ती किया गया था और ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। फिलहाल हम सिर्फ उनकी कहानी आपको बता रहे हैं जिनके वीडियोस बाहर आ जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली कितने लोग रूस की सेना में काम कर रहे हैं इसको लेकर जानकारी अभी भी बाहर नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान है कि ये संख्या काफी बड़ी हो सकती है। असफान की तरह और कई सारे भारतीय हैं जो यूक्रेन के खिलाफ यानी रूस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर वो भारत से रूस कैसे पहुंचे और रूस पहुंचकर रूस की सेना में कैसे शामिल हो गए, क्या कहानी है, वो अभी भी एक अनटोल्ड स्टोरी है जिस पर भारत तक लगातार काम कर रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय की मौत हो गई है और असफान के परिवार का लगातार यह दावा है कि वहां पर मौजूद एजेंट्स कह रहे हैं कि असफान जिंदा है, जबकि भारतीय दूतावास ने कंफर्म कर दिया है कि दुखद मृत्यु मोहम्मद असफान की हो चुकी है। अब भारतीयों को लगातार ट्रैप करने की जो कोशिश है वो और तेज होती जा रही है, यानी भारतीयों को नौकरी के नाम पर आप देश से बाहर ले जाते हैं और फिर वहां पर उनके साथ जो हो रहा है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। मोहम्मद असफान के बाद अब देश में उन तमाम युवाओं के लिए साफ तौर पर संदेश है कि आप किसी भी बहकावे में न आए, किसी के कहने पर आप बाहर नौकरी के लिए न जाए जब तक आपको ऑफिशियली कोई लेटर नहीं मिल जाता है, क्योंकि एजेंट्स जो हैं आप याद रखिए आपसे भी पैसा ले रहे हैं, दूसरी पार्टी से भी पैसा लेते हैं और वो सिर्फ आपको स्मगल कर रहे हैं। एजेंट्स के अगर सहारे आप बाहर जाते हैं, खासतौर पर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर आपके साथ और बुरा हो सकता है। ये मामला सिर्फ रूस का नहीं है या यूक्रेन का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहां एजेंट्स लोगों को नौकरी के नाम पर ले जाते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होता है और असलियत क्या होती है उसकी कहानी आपने समय समय पर देखी है। पर इस वक्त सबसे ज्यादा आपको सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई आपको कहता है कि रूस ले जाकर अच्छी नौकरी दे रहा है और वो आपको रूस की सेना में शामिल करा देगा, तो फिर ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है।